औद्योगिक क्षमा शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय कार्मिक प्रबंध क्या है, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल मैनेजमेंट कहा जाता है। जैसा कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट में इसके बारे में बतलाया कि यह एक मानवीय संबंध है जो किसी उद्योग के कर्मचारी को देखता है और सामंजस्य स्थापित करता है कि किस तरह से उस उद्योग का विकास हो सके। वह ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करता है जो सही कार्य कर सके, और देखा जाए तो कार्मिक प्रबंध करता है कि श्रमिकों की कल्याण किस प्रकार से हो। समय समय पर वह देखता है कि अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसके विकास के लिए वह योजना बनवाता है। कार्मिक प्रबंध उसके हित को ध्यान में रखते हुए उसे समय समय पर बोनस दिलवाता है, जिससे श्रमिकों का कल्याण होता है। देखा गया कि कभी कभी श्रमिकों और मालिकों के बीच झंझट हो जाता है, जिससे वह कभी कभी कार्य पर नहीं आता है और स्ट्राइक कर देता है। कार्मिक प्रबंध उसे फिर से बुलाता है और उसके हित के बारे में मालिक को बतलाकर उसे पुनः काम पर लाता है। उसके भविष्य की देखभाल करना कार्मिक प्रबंध का दायित्व होता है। देखा जाए तो कार्मिक प्रबंध का विशेष महत्व होता है। इस तरह से कार्मिक प्रबंध श्रमिकों और मालिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे उत्पादन बढ़े और समाज का विकास हो सके। क्योंकि आधुनिक युग एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक किसी समाज का, किसी देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कार्मिक प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रबंध है जो श्रमिकों और मालिकों के बीच सामंजस्य स्थापित करवाता है, अधिक उत्पादन करवाता है और समय समय पर देखता है कि श्रमिक किस ढंग से कार्य करता है। अगर कुछ त्रुटि देखता है तो उस श्रमिकों को प्रशिक्षण दिलवाता है, जिससे उत्पादन बढ़े। इस तरह से देखा जाए तो कार्मिक प्रबंध का उद्योग धंधों में विशेष स्थान होता है। इतना ही नहीं, वह देखता है कि कच्चे माल की पूर्ति किस तरह से होती है और जो उत्पादित वस्तु है उसका विक्रय किस प्रकार से होता है। इस तरह से कार्मिक प्रबंध का विशेष महत्व होता है और देखता है कि अगर उत्पादित वस्तु है तो उसका खपत होता है कि नहीं होता है, उसी आधार पर वह उत्पादन करवाता है और श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि इसका विशेष महत्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।